हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो देखिए अगर आप लोग अभी तक सीपेट के लिए चॉइस फिलिंग नहीं किए तो चॉइस फिलिंग किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना है उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर शो हो रहा था तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो उस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजी में आपको समझा है कि किस तरह आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए हर एक स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक् तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, इस वीडियो को चेक करने के बाद आपके पास अभी तक ग्यारह तारीख का डेट है क्योंकि अभी देखिए अगर हड़बड़ी में करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस करेक्ट करने का या फिर एडिट करने का और वो भी ओटीपी बेस्ड होगा इसीलिए आप लोग ये चांस को वेस्ट मत कीजिए और इसको ये जो आप लोग टेन एच के लिए देना है और ये टेन एच आप लोग केयरफुल चूज कीजिए ठीक है केयरफुली चूज़ कीजिए क्योंकि अभी मुझे मालूम चला है जो लोग भी ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी अपने चॉइस फिलिंग कर लिए हैं उनका अभी जाके मालूम चला है वो जो भी एंट्रेंस सब्जेक्ट दिए थे ठीक है जो भी सब्जेक्ट में वो एंट्रेंस पी जी दिए थे उन्होंने क्या किया था उसी एंट्रेंस सब्जेक्ट में अपने लिए टेन एच को चूज करके चॉइस फिल कर लिया अब उनको मालूम चला उसी एंट्रेंस सब्जेक्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट में भी वो अपना चॉइसेस दे सकते थे ठीक है लेकिन उन्होंने नहीं दिया अगर उनके पास अभी चांस है तो वो ये चीज़ करेक्ट कर सकते हैं ठीक है और अगर उन्होंने ये चांस को भी मिस कर लिया है क्योंकि कितने सारे कैंडिडेट्स तो ये भी चांस को मिस कर रहे और उसके बाद वो एडिट नहीं कर सकते इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग पूरा केयरफुली ये सारा वीडियो देखिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरली समझा दूंगा कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप लोग एंट्रेंस दिए थे और आप कौन से कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या फिर चॉइस फिल कर सकते हो ठीक है तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा खास करके उनके साथ जो लोग सीपरेट एंट्रेंस दिए थे ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया लिस्ट ये है एन एक्सर टू और ये भी आपका ऑफिशियल है ठीक है ये आप लोगों का ऑफिशियल लिस्ट है देखिए आपके पास ये है क्या लिखा है लिस्ट ऑफ एंट्रेंस सब्जेक्ट एंड देयर कॉरिस्पोंडिंग पीजी कोर्स इन हुई स्टूडेंट इन स्टडी तो स्टूडेंट जो इंटेंड कर रहे हैं स्टडी के लिए वो कौन से एंट्रेंस सब्जेक्ट देना है और वो कौन से कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल पहला है हिस्ट्री अगर आपने या फिर कोई एक कैंडिडेट ने हिस्ट्री के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम दिया था ठीक है तो वो क्या कर सकता है A -I -S -C -A, I think History, ए आई एस सी ए आई थिंक एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ये उसका फुल फॉर्म है उसके ऊपर भी वो चॉइस फिल कर सकता है एंड हिस्ट्री के ऊपर तो ओबियसली करेगा ठीक है तो ए आई एस सी ए एक, एक एक्स्ट्रा मिल गया तो वो जिस जिस कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन में है वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा गया क्लियरली करस्पॉन्डिंग पी जी कोर्सेस अगर किसी को ए आई एस सी ए में करना है तो भी उसको हिस्ट्री एंट्रेंस देना पड़ेगा और अगर उसने हिस्ट्री एंट्रेंस दिया है तो ये दोनों के दोनों में वो अपना चॉइस फिलिंग तो कर सकता है उसी तरह इकोनॉमिक्स में किसी ने एंट्रेंस दिया है तो एनालिटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर सकता है इकोनॉमिक्स कर सकता है एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कर सकता है ठीक है समझ रहे हैं आप लोग ये तीनों के लिए वो चाहे तो वो क्या स्टूडेंट अपना चॉइस फील कर सकता है इंस्टीट्यूशन के लिए क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टेन इंस्टीट्यूशन है और फाइव सब्जेक्ट्स हैं ठीक है थीके? तो आप फाइव सब्जेक्ट तो नहीं दिए होंगे अगर दिए होंगे तो अलग बात है अगर आप लोग मल्टीपल थ्री सब्जेक्ट या फिर टू सब्जेक्ट के लिए आप लोग एंट्रेंस दिए थे तो आप उस हिसाब से अपना टेन कॉम्बिनेशन रख सकते हैं ठीक है और वो भी अपने बेस्ट चॉइसेस होना चाहिए नहीं तो आप इस तरह से हापाजड़ ली देंगे रैंडमली देंगे और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन नहीं आएगा तो आप लोग वैसे भी एडमिशन नहीं कर सकते इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुली अपने लिए बेस्ट टेन एच यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ढूंढना है उसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स के लिए एक अगर किसी ने एंट्रेंस दिया है तो वो एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल साइंस आर्ट्स वाला कर सकता है या फिर एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स वाला उसे भी कर सकता है उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी साइंस के लिए एंथ्रोपोलॉजी साइंस के लिए भी कर सकते हैं और एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टोरीज साइंस के लिए कर सकते हैं देन केमिस्ट्री के लिए अगर किसी ने केमिस्ट्री एंट्रेंस दिया है तो अप्लाइड केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है या केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है उसके बाद अगर किसी ने जियोलॉजी एंट्रेंस दिया है तो जियोलॉजी में भी कर सकता है अप्लाइड जियोलॉजी में भी कर सकता है देन अगर किसी ने अगर माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंट्रेंस दिया है तो अप्लाइड माइक्रोलॉजी भी कर सकते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद देखिए फिजिक्स में किसने इंटरेस्ट दिया तो वो अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं एंड फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं और साइकोलॉजी अगर किसने दिया है इंटरेस्ट तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं एंड साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं और, तो और कंडीशन ये है और क्लिनिकल साइकोलॉजी लिस्ट जो दिया गया है उस लिस्ट में होना चाहिए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में और अगर अप्लाइड साइकोलॉजी करना है तो उस इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए जो भी लिस्ट प्रोवाइडेड बाई सीपेड के लिए दिया गया था सैम्स ओडिशा के द्वारा दिया गया था उसमें होना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में अप्लाइड साइकोलॉजी होना चाहिए देन बायोटेक्नोलॉजी अगर किसी ने इंटरेस्ट दिया है तो वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं बायो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और बायो देख रहे हैं तो एक में आप लोग तीनों काम हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री इसीलिए तो आप लोगों का अभी जो लिस्ट आया है स्टेट वाइड सब्जेक्ट वाइज एंड स्टेट वाइड वहां पर आप लोग देखोगे एक आपका अगर आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ दिया है तो उसमें आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक रैंक आया होगा बायो के लिए एक रैंक आया होगा बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक रैंक आया होगा उसके लिए आप लोगों का अलग अलग रैंक आया होगा अब देखिए बॉटनी के लिए अगर किसी ने बॉटनी के लिए इंटरेस्ट दी है वो बॉटनी तो पढ़ेंगे ही चाहे वो लाइफ साइंस बॉटनी कर सकते हैं लाइफ साइंस बॉटनी यानी ये संबलपुर यूनिवर्सिटी का मेंशन किया जा रहा है यानी अगर किसको संबलपुर यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो वो क्या पढ़ेंगे लाइफ साइंस बॉटनी लेकिन उनके उनको क्या देना है बॉटनी एंट्रेंस देना है जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिया था तो आपके पास तीन ऑप्शन है ठीक है उसके बाद लाइफ साइंस प्लांट साइंस ठीक है उसके बाद देखिए कॉमर्स लाइफ साइंस प्लांट साइंस शायद एफ यूनिवर्सिटी का है ठीक है एफ एम यूनिवर्सिटी या आपका लाइफ साइंस बॉटनी संबलपुर यूनिवर्सिटी तो वहां पर वो चीज पढ़ सकते हैं उसके बाद कॉमर्स में कॉमर्स और एम पी सी मास्टर इन फाइनेंस एंड कंट्रोल उसके बाद देखिए एजुकेशन के लिए सिर्फ एक ही है ऑप्शन वो है एजुकेशन के लिए ही वो पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइंस पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं उसके लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है एनवायरमेंटल uh, साइंस के लिए भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं उसको आप लोग मिक्स मत कीजिए ये दोनों का आप मिक्स मत कीजिए एनवायरमेंटल साइंस अलग है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पे अलग अलग रखा गया है उसके बाद देखिए वुमेन स्टडीज के लिए तो 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 कोई चाहे तो जेंडर स्टडीज़ पढ़ सकते हैं कोई चाहे तो वेमन स्टडीज़ भी पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए कोई चाहे तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं और रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एस जी आई एस भी पढ़ सकते हैं उसके बाद हिंदी के लिए हिंदी ही पढ़ेंगे होम साइंस के लिए होम साइंस पढ़ेंगे और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए ही वो अपने टेन एच आई को चूज़ करेंगे लेकिन लॉ एल एल एम के लिए वो लॉ एल एल एम भी कर सकते हैं एल एल एम ह्यूमन राइट्स के लिए भी वो अपना टेन एच आई दे सकते हैं एच आई दे सकते हैं उसके बाद लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए वो एक ही लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए ही कर सकते हैं उसके बाद देखिए जूलॉजी के लिए अगेन थ्री ऑप्शन आदर आप लोगों के लिए लाइफ साइंस जूलॉजी के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं चॉइस फिल कर सकते हैं जूलॉजी के लिए भी चॉइस फिल कर सकते हैं एंड लाइफ साइंस एनिमल साइंस के लिए भी आप लोग चॉइस फिल कर सकते हैं कंडीशन ये है आपका जो भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया गया है एच प्रोवाइड किया उसमें होना चाहिए यानी कि उसमें होना चाहिए लाइफ साइंस जुलॉजी तब जाके वहाँ पे आप चॉइस फिल के लिए उसको ऑप्शन में दे सकते हैं उसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक के लिए लिंग्विस्टिक उसके बाद एम एस कंप्यूटर साइंस के लिए अगेन थ्री ऑप्शंस मतलब यहाँ पे भी दे सकते हैं ये भी दे सकते हैं एम सी एम एस सी एम एस सी टेक्नोलॉजी ये तीनों के लिए दे सकते हैं उसके बाद मेरेन साइंस मेरेन बायोलॉजी के लिए अगेन सेम है मेरेन साइंस और ओसेनोग्राफी के लिए सेम है मेटेरियल साइंस के लिए मेटेरियल साइंस के लिए ही आप लोग चॉइस फिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स के लिए ही चॉइस फिल देन अगर एम बी ए दिए हैं एंट्रेंस तो एम बी ए के लिए ही आप लोग चॉइस फिल कर सकते हैं और एम बी ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आपके पास तीन ऑप्शन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम बी ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम बी ओ एम बी ए आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप लोग चॉइस फिल कर सकते हैं देन एम एस डब्ल्यू के लिए आप लोग एम एस डब्ल्यू के लिए ही चॉइस फिल कर सकते हैं ओडिया के लिए ओडिया, ओडिया देन पी एम आई आर और आई आर पी एम के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है चॉइस फील्ड चॉइस फीलिंग के लिए पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल पर्सनल या फिर मैनेजमेंट आई ये तीनों के लिए आप चॉइस फिल कर सकते हैं फिलोसॉफी के लिए आपके फिलोसफिक चॉइस फिल कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पॉपुलेशन स्टडीज के लिए पॉपुलेशन स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट देन संस्कृत के लिए संस्कृत संतारी के लिए संतारी देन सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी स्टाटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स उर्दू के लिए उर्दू उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ एंड बायोडावर्सिटी के लिए एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन और तो नहीं है, बस मतलब आप लोगों को यह एक मिल गया ऑप्शन आई आर पी एम के लिए देन आप लोग एमबीए के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए देन आप लोग लो, जूलॉजी के लिए उसके बाद देखिए लॉ के लिए देन आप लोगों का जियोग्राफी के लिए और वुमेन स्टडीज के लिए और आप लोगों का कॉमर्स बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी साइकोलॉजी फिजिक्स और आप लोगों का बाकी ऊपर में जितने हैं वो सभी के लिए आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं जो चॉइस फिलिंग के लिए तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि आप जो भी एंट्रेंस अपडेट दिए हैं कि आपके पास कितने ऑप्शन है चॉइस फिलिंग के लिए अगर आप लोगों ने ऑलरेडी चॉइस फिल कर लिया है और अभी चाहते हो करेक्शन के लिए और आपके पास अभी करेक्शन चांस है तो आप ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे सकते हैं कि अगर आप लोग ये देने में क्या होगा आप लोगों का चांसेस बढ़ जाएगा जो सीट मिलने के लिए तो अगर आप लोगों का रैंक अच्छा नहीं है आपको अभी टारगेट रखना है एक पी सीट जैसे भी करके लेना है ठीक है एक पी सीट अगर आप लोगों को कहीं पे भी स्पॉट वन पे मिल रहा है तो ले लीजिए स्पॉट टू पे मिल रहा है ले लीजिए फर्स्ट सिलेक्शन में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली एडमिशन करना है अगर सेकंड में आ रहा है तो वो भी कीजिए स्पॉट में आ रहा है तो वेट कीजिए और स्पॉट टू में भी कीजिए अगर यहाँ पे नहीं आ रहा और मान लीजिए आपको जो भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन मिला वो वा, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है पसंद नहीं है तो आप एक बार ड्रॉप कर सकते हो लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा तो आई होप आप लोगों को मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो दे चुका हूँ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू